still drive me crazy. उसको फोन करके ना कुछ खबर लेती हूँ. हेलो. हेलो. हाँ, कैसे चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? यार, मेरी ज़िंदगी में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा. पिछले कुछ दिनों से मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि क्या बताऊँ. मेरे हस्बैंड से मेरी रोज़ लड़ाई हो रही है. हम नॉर्मल किस दिन थे मुझे तो याद भी नहीं है. आई डोंट नो, वो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं. लाइक, मेरे साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है. जब भी मैं बात करती हूँ वो उठ के चले जाते हैं या घर से बाहर चले जाते हैं. तो मेरे पास तो कोई बात करने के लिए भी है नहीं. मैं किसके साथ बात करूँगी? मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ. हेलो. 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 सारे ग्रुप को बता देती हूँ. हेलो, कॉन्फ्रेंस में लो सबको. उसका पति ना उसे बहुत परेशान कर रहा है. जब भी वो उससे बात करती है वो बाहर किसी से मिलने के लिए चला जाता है. मुझे उसने खुद से बताया कि जो दूसरी औरत है ना प्रेग्नेंट है. उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है और उसने डिवोर्स से पहले ही दूसरी शादी भी कर ली है. तुम लोग तो कहते थे कि उसकी शादी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है. पता है नहीं कुछ. हाँ, कैसे चल रही है तुम्हारी जिंदगी? या सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है. तुम बताओ. या मैं भी ठीक हूँ. हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सिमोर. मैंने मास्टर्स की है प्राइवेसी ऑफ पावर ऑफ प्राइवेसी, समथिंग विद प्राइवेसी. मेरे खिलरे हुए बालों पे मत जाएं, ये जल्दी जल्दी में ऐसे हो गया है. मेरे पास ये बहुत बड़ी फाइल है जो उन मुद्दों से भरी पड़ी है जिसकी हम हाउसवाइफ्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो आज मैं अपने इन पेजों को खोल लूँगी और निकालूंगी एक मस्त सा टॉपिक जिस पे हमें बात करनी चाहिए. वो टॉपिक है पावर ऑफ प्राइवेसी. आप तो मुझे जानते ही हैं दोस्तों कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर रहती हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसी है, मेरे घर में कौन है. पर क्या आप मुझे वाकई जानते हैं? या आज तक मैंने आपको जो भी बताया है वो सारा झूठ था? इसे कहते हैं मास्टर ऑफ प्राइवेसी. इसके लिए मैंने तो यूनिवर्सिटी में से पढ़ाई की है, पर आपको यूनिवर्सिटी में से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास मैं हूँ. आज हम इस वीडियो में तैयार होंगे. हम हमारे स्कार्स को प्राइवेसी देंगे, लाइक हमारे स्कार्स को हाइड करेंगे, छुपाएंगे कंसीलर की मदद के साथ. और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी जिंदगी को भी कंसील कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के दुख तकलीफों और कालिक को कैसे छुपा सकते हैं. सो अगर तो आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो देखते रहिए, अगर नहीं है तब भी देखते रहिए क्योंकि इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा उम्दा किस्म की वीडियोस. सबसे पहला काम हम करेंगे सनस्क्रीन लगाने का. सनस्क्रीन के लिए मुझे ये सुपर गूप अनसीन सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक तो इस पर SPF 40 है, दूसरी चीज़ है ये बिल्कुल क्लियर जेल जैसा है, बिल्कुल दिखता नहीं है. और मुझे लगता है कि इसको लगाने के बाद मेरी स्किन और भी हाइड्रेटिंग लगती है. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन की उनको ज़रूरत है? क्या उनको इस इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा होगा या उनको ये इन्फॉर्मेशन बताने के बाद आपका कोई फ़ायदा होगा? वाला है तो ज़रूर से शेयर करें कि शेयर करने से भी दुख कम होता है. अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है शेयर करने की. सो मैं मेरे स्कार्स को हाइड करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन का फिट में कंसीलर जिसका नंबर है 40. सो इससे मैं मेरे स्कार वाले एरिया पे लगाऊंगी. और आज मैं कोई भी कलर करेक्टिंग कंसीलर या फिर प्राइमर नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है ये ही प्राइमर जैसा काम करती है. और ये जो मैं कंसीलर मेरे चेहरे पर लगा रही हूँ ये ऐसे ग्लाइड ऑन हो रहा है जैसे कि मेरी स्किन बहुत सिल्की स्मूथ हो. सो यस, हम सारे स्कार एरिया को हाइड कर लेंगे. एंड थोड़ा सा डार्क सर्कल्स में भी लगा लूँगी. ये जो कंसीलर है ना ये मेरी स्किन से थोड़ा डार्क है, बिल्कुल स्किन के जैसा नहीं है. सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी लाइट कंसीलर एज वेल जिसका नंबर है 15 लाइट. ये भी मेबलिन का फिट मी लाइन से ही कंसीलर है और इसे भी मैं इस कंसीलर के साथ कहीं ना कहीं ऐड कर लूँगी ताकि ये दोनों को मिक्स होकर मेरा परफेक्ट शेड बन जाए और मेरी स्किन ज़्यादा डार्क लगनी नहीं शुरू हो जाए मेरी गर्दन के मुकाबले. क्योंकि बहुत बार होता है कि मेरा चेहरा मेरी गर्दन से डार्क लगना शुरू हो जाता है क्योंकि ये जो कंसीलर है ये डार्क है. थोड़ा सा मैं अंडर आइज़ पे भी लगा लूँगी ताकि ये एरिया हाईलाइट हो जाए. सो फोरहेड पे भी थोड़ा
कर लेंगे, सापजा बना लेंगे नोज पे भी। तो बात होगी कि पर्सनल चीजों के बारे में, लाइक आपकी हस्बैंड की बात, बॉयफ्रेंड की बात, या आपके इन लॉज की बातें कि आपकी इन लॉज के साथ सिचुएशन कैसी है, या फिर कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ से लेके। बट अगर आपकी लाइफ में कोई गोल्स हैं या कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, वो भी चीज़ें आपको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है कि कई बार आपका प्लान चेंज हो जाता है, आप वो चीज़ें आप नहीं करना चाहेंगे, आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। सो आप लोगों की हंसी का एक टॉपिक बन जाते हैं, लोग आप पे हंसते हैं और देन आप वीक एंड कमज़ोर फील करते हैं कि ओ माई गॉड, मैंने इनसे ये कहा था पर मुझसे ये हो नहीं पाया, के ऊपर बुरा असर पड़ता है उस चीज़ का। मेरे हिसाब से ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे हिसाब से हैं, ये कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, आप वही करें जो आपको खुशी देता है। पर मेरे हिसाब से जब आपकी ज़िंदगी में कोई गोल है, उन्हीं लोगों को बताएं जिनको सुन के खुशी होगी, या जो आपको मोटिवेट करेंगे या और ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे कि यस तुम्हें यही करना चाहिए। क्योंकि ये सच्चाई है कि किसी भी बंदे को जिसको आपसे प्यार नहीं है, उसको आपको जीत देख के खुशी नहीं होने वाली है। कोई भी नहीं चाहता कि आप जीतें, कोई भी नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम पे पहुँचे जिसके बारे में लोग सपना भी नहीं ले सकते हैं। सो उन लोगों को वो चीज़ें बताना फालतू की नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा करता है, बेचारे उनका भी जीना हराम हो जाता है कि ओ गॉड ये कैसे हो सकता है। वो आपकी टांगें खींचेंगे, आप पे हंसेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो भी तुम्हारे गोल्स हैं ये कितने बेफालतू और बेकार हैं, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है और ये कभी भी होगा नहीं। और इससे क्या होगा कि या तो आप हिम्मत हार जाएंगे अगर आपका जो इनर पावर है इनफ स्ट्रांग नहीं है उनके साथ लड़ने के लिए, सो आप वीक फील करेंगे, आपको लगेगा कि यार मेरे गोल्स में ही कोई प्रॉब्लम है, अगर बाकी लोगों ने ऐसे नहीं किया है तो मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा। सो हो सकता है आप उन सपनों को छोड़ दें। आपको लोगों को चीज़ें अचीव करने के बाद ही बताना चाहिए कि ये मुझे चाहिए था और अब मुझे ये मिल गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई ड्रीम हाउस है, हर एक को बताते फिरेंगे कि मैं ये मेरा ड्रीम हाउस है, ये मेरा ड्रीम हाउस है, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, यहाँ पे रहना चाहता हूँ, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे हिसाब से जो आपका ड्रीम हाउस है, जब वो ख़रीद लेते हैं आप उसके लिविंग रूम में चाय पीते हुए दोस्तों को बताएं कि ये मेरा ड्रीम हाउस था और अब मैंने ये ले लिया है। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ये काफ़ी सारी कन्वर्सेशन करते हुए जो ये कंसीलर मेरे चेहरे पे सेट हो गया है, यही मुझे चाहिए था, एकदम से हम ब्लेंड करते हैं तो वो आपके स्कार्स को कंसील नहीं करता है, उसे थोड़ी देर सेट होने दें ताकि कंसीलिंग पावर मिले, ताकि हमारे जो स्कार्स हैं ज़्यादा छुप पाए। सो अब मैं ये ब्रश ले रही हूँ जो कि है मॉर्फी का Y6, इससे मैं डबिंग मोशन में मेरे सारे स्कार्स को ब्लेंड कर दूँगी मेरी सारी प्रॉब्लम्स की तरह। इन दोनों शेड्स को मिक्स करके मेरा परफेक्ट शेड बन जाता है, तो फिर मुझे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म दिन है और पंखे के बिना इस रूम में बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पर ये है मेरी डेडिकेशन कि मुझे ये वीडियो कंप्लीट करनी है, और अगर मैं पंखा लगा लूँगी तो उसकी आवाज़ में मेरी आवाज़ दब जाएगी और आप सुन नहीं पाएंगे कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगी मैं। सो आइज़ पे भी थोड़ा सा कलर लगा लेते हैं, उसके लिए मैं जैकलिन हिल की मॉर्फी वाली पैलेट यूज़ करूँगी, ये है दीज पिंक शेड्स, और मैं यूज़ करूँगी शेड थिक स्किन आज के टॉपिक की तरह। गाइस अपनी ना स्किन को थिक बना लें, आपकी अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और बाहरी दुनिया की चीज़ों का आप पे असर नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी थिक स्किन बना लेंगे ना तो इसमें फ़ायदा आप ही का होगा, आप खुश रहेंगे। एक बात को तो ज़रूर से याद रखें कि आप पे 0% ऑब्लिगेशन है चीज़ें लोगों को बताने के लिए। आप ऐसे मत समझें कि आपको चीज़ें शेयर करनी ही चाहिए, 0% एंटाइटल्ड हैं आप इस चीज़ के लिए। आपकी प्राइवेसी पूरी तरह आपकी है, क्या आपको चीज़ें लोगों को बताना ज़रूरी है? नो। जितना आप अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। एज अ हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के बारे में ही ले लेते हैं, अगर आपकी अपने हस्बैंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़ाइट हुई है, अगर आप उन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों का मज़ा आता है आपकी प्रॉब्लम से, क्योंकि उनको तसल्ली मिलती है कि दुनिया में वही अकेले नहीं है जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, आपके भी में चल रही हैं, और फिर उनको गॉसिप का एक प्यारा सा टॉपिक मिलेगा दूसरे दोस्तों के साथ डिस्कस करने के लिए कि तुम्हें लगता है कि वो बहुत परफेक्ट है, ना वो भी ऐसे ही हैं। और फ्यूचर में हो सकता है शाम तक आप बिल्कुल भूल जाएं कि आपके अपने पति के साथ क्या प्रॉब्लम हुई। ज़्यादातर ऐसे होता है कि हम लोग भूल जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा सच्चे प्यार में डूब जाते हैं। गर्ल्स तो ऐसे ही करती है, बॉयज़ भी ऐसे करते हैं, क्योंकि
गर्ल्स मुझे लगता है ज़्यादा सोचती हैं, बॉयज़ बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वो थोड़ी सी फाइट के बाद फ्यूचर में बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हम लोग तो फिर भी थोड़ी देर नहीं, काफ़ी समय तक याद रखते हैं, पर पति तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने किया क्या था, क्योंकि वो पोंदू होते हैं। सो आप भी भूल गए, आपका पति भी भूल गया, आपको फिर से एक दूसरे से प्यार हो गया, पर जिसको आपने ये चीज़ें बताई थी उसको नहीं भूला, और उसने जिन लोगों को बताई थी उनको भी नहीं भूला। फ्यूचर में जब भी आप कोई डिस्कशन होगी, उनको लगेगा कि यार तुम लोग तो बहुत लड़ते हो, याद है वो वाला इंसिडेंट, आप सोचते रहेंगे कि कौन सा इंसिडेंट, पर देन वो बताएंगे उस दिन ऐसे हुआ था, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने तो याद नहीं, इन्हें तो याद है, लाइक हम तो भूल चुके हैं वो सदियों पहले चीज़ें, पर दोस्त एंड रिश्तेदार नहीं भूलेंगे। सो अगर आपने नहीं बताया होता पहले ही, तो अब आपको इन चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये है पावर ऑफ प्राइवेसी। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं हमेशा की तरह लॉरियल की ये जेल यूज़ कर रही हूँ, जो कि ब्राउन है, आई थिंक डीप इन ब्रूनेट है, और मेरा जो शीशा है वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है और मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ओके, आई गॉट नन्ना शीशा। सो नन्हे शीशे की मदद से मैं मेरे आईब्रोज को फिल कर लूँगी। ज़्यादा कुछ ड्रामेटिक नहीं करने वाली हूँ मैं हमेशा की तरह, थोड़ा सा ही हम करेंगे। जब आप लोगों के साथ अपने बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेस पैदा हो जाता है। फ्यूचर में अगर आपकी उस बंदे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, या फिर आपकी बनती नहीं है, या आप में तीसरा कोई आ जाता है, तो आपको इस चीज़ का डर रहता है कि वो सारी चीज़ें अब नेक्स्ट बंदे के पास चली जाएंगी। सो आपको उसके साथ दोस्ती रखनी पड़ती है, और आप उसके साथ दोस्त नहीं रहना चाहते हैं। सो बहुत ज़्यादा जो आपकी प्राइवेट बातें हैं नहीं शेयर करनी चाहिए। मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें मेरे बहुत सारे करीबी दोस्तों को भी नहीं पता है, इवन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को भी। एंड अगली चीज़ है कि जब तक कोई आपके बारे में जानना नहीं चाहता है, और आपका बहुत ज़्यादा बेस्टी नहीं है, और आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहता है, तो आपको ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है कि मेरी एक दोस्त हुआ करती थी चंडीगढ़ में, जब हम एविएशन एंड होटल मैनेजमेंट कर रहे थे, तो उसकी आदत थी वो अपनी हर एक इन्फॉर्मेशन बिना किसी के पूछे, बिना किसी के इंटरेस्ट के बताया करती थी। सो वो काइंड के लोग परफेक्ट है इस एग्जांपल के लिए। जब आपके बारे में कोई नहीं जानना चाहता है, ना आपसे पूछ रहा है, और आप अपनी ज़िंदगी की सारी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट उसके साथ शेयर कर देते हैं, ये एग्जाम्पल उन दोस्तों के लिए है। हम लोग, मैं और वो, जब हमारा एविएशन का कोर्स शुरू होने वाला था, तो हम दोनों पहले थे उस हॉस्टल में जहाँ पे हम रहने वाले थे। सो मेरी और उसकी थोड़ी सी दोस्ती होगी, क्योंकि हम पहली बार हमारा घर छोड़ के आए थे और हम दोनों फ्रेंड बन गए। तो जो भी पहली चीज़ें हमने घर के लिए खरीदी, लाइक हॉस्टल के लिए खरीदी ज़रूरत की, या अपनी ड्रेसेस, यूनिफॉर्म्स या कुछ भी, तो हम दोनों ने एक ही साथ की। तो वो अमृतसर से थी। हम लोग जब भी शॉपिंग करने के लिए जाया करते थे, तो हम किसी रिक्शा को हायर करते थे। हम छोटे थे, लाइक 17-18 थी मैं। सो वो हर चीज़ वो रिक्शा वाले आदमी को बता देती थी कि हम लोग इस शहर में नए हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है, और प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए, हमें बेस्ट दुकानों पे ले जाइए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कौन सी गली किधर जाती, वो ऐसी बातें करती थी। और उससे मैं कहती थी कि चुप कर, उससे क्यों बता रही है कि हम नए हैं, कोई भी बंदा बुरा हो सकता है, आपका फ़ायदा उठा सकता है। और पर उसने ये चीज़ कंटिन्यू रखी, तो मैंने उससे कहा कि अगली बार मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाली हूँ। टीचर थी हमारे स्कूल में, उसको मैंने बताया कि ये हर रिक्शे वाले को, हर एक बंदे को, हर दुकानदार को, हर एक को हर कुछ बता देती है कि हम इस शहर में नए हैं, ये वो। और फिर उसने काउंसलिंग की, टीचर ने, उसने बताया कि बंदे आउटसाइड वर्ल्ड वाले लोग कितने बुरे हो सकते हैं। हो सकता है कि जो जिससे आप डील कर रहे हैं अच्छा इंसान हो, हर कोई बुरा नहीं होता है, पर ये भी हो सकता है कि वो बुरा इंसान हो। उसने कहा कि वो तुम्हें ऐसे स्लम वाले एरिया में रिक्शा तुम्हारा ले जाएंगे कि तुम वहाँ से कभी निकल नहीं पाओगी, इतने सारे वहाँ पे घर हैं कि तुम्हें निकलना मुश्किल हो जाएगा, तुम ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हो अगर आप सारी चीज़ें हर एक को बताएंगे। उससे थोड़ा सा समझ तो आ गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए, तो उसने कहा कि भाई हमें इस वाले सेक्टर में ले जाओ, वहाँ पे हमें शॉपिंग करनी है, हमें इस शहर के बारे में सारा कुछ पता है, तब ये मत समझना कि हम लोग नए हैं, हम नए नहीं हैं, हमारे रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं। तो उसने ये वाली इन्फॉर्मेशन दी। मैंने कहा कि ये भी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी उसे पता चल रहा है कि ये ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, इससे कुछ पता नहीं। मेरे फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल का इन्फेलेबल 24 आवर फ्रेश वेयर। इसको मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है, आपको पता होगा, आपने मेरे व्लॉग्स को देखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत प्यारी वीडियोस बनाती हूँ। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ जो देनी चाहिए, और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देती हूँ जो नहीं देनी चाहिए। सो इस तरह मैं मेरी
फेस को सेट कर लेती हूँ और थोड़ा सा ब्राउन्स भी करना पड़ेगा आज हमें. उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये ब्रांड एस्टेट का कोको ब्राउन्जर और एंगल ब्रश यूज़ करूँगी इस काम के लिए मैं. ओके, ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो पतला सा है. इस पे ये ब्राउन कलर लेके मैं मेरे बोन्स वाले एरिया में, चिक बोन्स में एंड डबल चिन पे एंड फोरहेड पे कॉन्टोर कर लूँगी हल्का सा. गर्मी में मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होता है कि आप पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है सो उससे क्या होता है कि आपका मेकअप ज़्यादा देर तक सेट रहता है, आप लोग ज़्यादा खुश रहते. खुश वाली गल पता नहीं कि थोड़ा ही पर आ गई. और थोड़ा सा ब्लश भी लगा लेती हूँ मैं. उसके लिए मैं ये मॉर्फी की पैलेट यूज़ करूँगी, ब्लश ट्रियो. इसमें तीन कलर्स हैं और मुझे ये वाले दो शेड्स को यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छे पीची से शेड है ये. उसकी एक और बात बताना मैम, मुझे याद आ गया कि जब हम शॉपिंग करने के लिए जाया करते थे ना, तो वो ये भी बता देती थी कि उसके अकाउंट में कितने पैसे. वो बता देती थी कि हमें आज हम शूज़ खरीदने के लिए आए हैं और भैया हमें चाहिए शूज़ जो 500 तक आए, क्योंकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 800 रुपए हैं. अगर मैं सारे पैसे खर्च दूंगी शूज़ पे तो फिर मेरा गुजारा कैसे. एंड क्या इस इंफॉर्मेशन ने उस आदमी, रिक्शे वाले आदमी की ज़िंदगी में कोई जॉय ऐड की? नो. इससे उसे कोई फ़ायदा हुआ? नो. क्या इससे वो बोर हुआ? शायद यस. और सो लोगों को इन्फॉर्मेशन उतनी ही दे जितने की उनको ज़रूरत है और जितने से काम चल सकता है, तो उतनी ही इन्फॉर्मेशन दें. रिक्शे वालों का तो यह है कि वो आप पीछे बैठे हैं और वो आपकी सारी बातें सुनते हैं. लाइक आप कौन से कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो सब कुछ सुनते हैं, क्योंकि वो भी तो आपका हिस्सा है, वो भी तो आपके साथ ही हैं. मेरी मम ने मुझे बताया था एक बार, मैं बहुत छोटी थी, मम्मी ने कहा कि उन्होंने एक बुक पढ़ी थी रिक्शा वाला करके कुछ, और कैसे रिक्शा वाले को आपको सारे सीक्रेट्स पता होते हैं. कैसे आपने रिक्शा किया और उसने आपको पिक किया बाजार से और उसने आपको घर तक छोड़ा और उसे आपका घर भी पता है. सो उसने पूरे रास्ते आपकी बातें सुनी कि कैसे आप अपनी मदर इन लॉ को हेट करते हैं, कैसे आपके पति ने आपको परेशान करके रखा है, कैसे आपने कितने पैसे कमाए हैं, सब कुछ पता होता है. रिक्शा में बैठ के मेरी मम हमेशा कहती है कि चुप करके बैठ, कोई बातें नहीं करनी, जो बातें करनी है बहुत हल्की फुल्की नॉर्मल. और ये बात मुझे अब तक भी याद है. सो कोई बातें आपके साथ स्टक कर जाती हैं हमेशा के लिए, तो ये बातें मैंने मेरी उस दोस्त को भी सिखाई कि यार रिक्शे वाले ने जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे अकाउंट में 800 रुपए हैं. और वो नहीं मानी. एक्चुअली उसका कोई कसूर नहीं था, वो है ही बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा साफ दिल की थी. मैं नहीं कहती जो लोग प्राइवेट चीज़ें रखते हैं वो बुरे दिल के होते हैं, पर कई लोग बहुत प्यारे होते हैं, वो चीज़ें हाइड करके नहीं रख पाते हैं. पर जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो आप सीख सकते हैं. लाइक यू नो, कई बार ऐसे बंदों के साथ बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं कि तब उनको पता चलता है कि उनको क्या सीखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए. कई बार बहुत चलाक बनते बंदे जो बहुत प्राइवेट चीज़ें रखते हैं उनके साथ भी गलत हो जाता है. सो ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि जो बंदे हाइड करके रखते हैं उनके साथ सब कुछ सही होगा. ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं. पावर ऑफ प्राइवेसी. आप तो जानते ही हैं कि आजकल है सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया में प्राइवेसी का होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल लोग स्टोरीज अपलोड करते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देते हैं कि वो कहाँ पे हैं, लोकेशन कौन सी है, उनके घर में अब घर में वो नहीं है, वो बाहर हैं. तो ऐसे में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप सोशल मीडिया पे क्या अपलोड करते हैं क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए हैं कि लड़कियों ने बताया है कि वो इस समय मॉल में हैं और किडनैपिंग्स हुई हैं. सो आपको इस चीज़ का भी बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे कब क्या अपलोड करते हैं. अगर आप किसी लोकेशन के बारे में अपलोड करना भी चाहते हैं तो तब अपलोड करें जब आप उस लोकेशन को छोड़ देते हैं, लाइक एक दो घंटे बाद करें, या फिर वो ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आपको खतरे की कोई लाइक शंका नहीं है कि वहाँ पे कोई खतरा हो सकता है. सो इस प्रकार आप चीज़ें शेयर करें, पर हमेशा ध्यान रखते हुए चीज़ें शेयर करें कि आप क्या शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग हैं. लोगों का काम ही है कि देखना कि कौन क्या कर रहा है और वो क्राइम कर पाए, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है. सो इसलिए भी आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है. अपने आप को प्राइवेट रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. सो हमने लैशेज लगा ली हैं. ये जो लैशेज मैंने लगाई हैं ये हमारा न्यू स्टाइल है सिमोल लैशेज पे, जो कि जल्दी अपलोड होगा. बहुत ही प्यारा है ये, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं पिछले बहुत सारे दिनों से कंटिन्यूसली यही वाला स्टाइल पहन रही हूँ. और बहुत सारे दोस्त पूछ भी रहे हैं कि ये कौन सा, और मैं बता भी नहीं पा रही हूँ. बट डोंट वरी, हम जल्दी ही शेयर करेंगे. सो हमारे लैशेज लगी हैं. सो इसी तरह हमारा मेकअप हो चुका है कम्प्लीट और हमारा ये टॉपिक भी मुझे लगता है हमने सारा कुछ कवर कर लिया है. सो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि किसी को आपके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है.
अनलेस वो आपकी फैमिली हो, आपका करेजी पति हो या आपका बेस्ट फ्रेंड। आपको किसी को चीज़ें बताने की ऑब्लिगेशन नहीं है, आप एंटाइटल्ड हैं अपनी प्राइवेसी के लिए। आप जितनी चीज़ों को प्राइवेट रखेंगे उतना खुश रहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं और उसके उस तरफ जाने के लिए आपका कौन सा रास्ता है, लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि लोग आपके पैशन को नहीं समझ पाते हैं। जो लोग इन चीज़ों को समझ पाएंगे उनके साथ आप बहाव में बह जाएंगे और कन्वर्सेशन खुद से होती जाएगी। सो आपको पर्पजली चीज़ों को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपका जो गट कहता है उसी हिसाब से चीज़ें करें। जिसको बताने के लिए आपको फील होता है कि यार वो भी आपके साथ वैसी चीज़ें शेयर कर रहा है तो ज़रूर से करें। पर अगर कोई बंदा लाइक आप चीज़ें बता रहे हैं और वो उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है और अपनी ही चीज़ों अपनी ही धुन में है, या फिर जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं वो आपकी बात को दबा के अपनी बात बताना शुरू कर देता है, तो वो बंदा आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे मत बताएं। सो या इसी तरह आज की वीडियो का अंत होता है। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बहुत ही मज़ेदार। और आप मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। क्या आपको लगता है कि प्राइवेसी की पावर बहुत ज़्यादा है और आपको चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए, या फिर आप उन दोस्तों में से हैं जिनको हर एक को बताना अच्छा लगता है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें। और अगर आपके पास कोई अच्छा एंड ब्यूटीफुल सा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करें, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, हम ज़रूर से बातचीत करेंगे। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। That's it. Bye, I love you.